मध्य प्रदेश के खुजनेर में प्रशासन अवैध शराब के विरुद्ध सख्त रवैया अपनाता दिखाई दे रहा है। शुक्रवार देर रात पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया और पिकअप वाहन से बड़ी मात्रा में अवैध शराब बरामद की है। ये कार्रवाई पिकअप है, बोलेरो पिकअप, इसकी सूचना आपको कल रात में मिली थी। इसमें अवैध रूप से शराब जा रही है, इसकी चेकिंग के लिए भैसासुर मंदिर के पास में राजगढ़ रोड, इसको चेक करने के बाद में इसमें से 153 पेटी शराब की निकली, जिसमें बियर विस्की और देसी ब्रांड की शराब है, जिसे थाने में जब्त किया गया है। इसमें कितने के ब्रांड है? इसमें कुल 9 ब्रांड की शराब है, अलग अलग ब्रांड की शराब है, और कुल मिलाकर 153 पेटी है, और कुल मशरूम का 18 लाख रुपये के करीब है, जिसे जब्त करके अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। इसका कोई पता चला किसका है क्या है? अभी वर्तमान में पता नहीं चल रहा है, आरोपी की तलाश की जा रही है। पुलिस द्वारा जब्त की गई शराब में कई तरह की विदेशी शराब भी शामिल है, जिसकी कुल संख्या 150 पेटी है। राजगढ़ से क्राइम भाषी के लिए ब्यूरो चीफ रामबाबू गौड़ की रिपोर्ट। वीडियो को लाइक और शेयर करें। क्राइम भाषी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।